वीडियो देखी आपने? ये वीडियो बाल नरेंद्र मोदी के गृह राज्य का है, जहां पर बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने खेला, पढ़ाई लिखाई जो भी किया, ये सब उस जगह की वीडियो है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करने तो गए थे, लेकिन उनके गृह राज्य के लोग शायद उनको सुनने नहीं पहुंचे, क्योंकि वीडियो में अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको फिर से वही खाली कुर्सियां ही नजर आ रही है। और ये तस्वीर गुजरात से निकलकर सामने आ रही है और गुजरात के लोग इसे शेयर कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया के उन तमाम ट्वीट्स को भी दिखाएंगे जहां पर सीधे तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री पढ़ लिख कर बड़े हुए और फिर सीएम बने गुजरात के, और उसके बाद देश के पीएम बने। और देश के पीएम बनने के बाद जब वो गुजरात में इलेक्शन हो रहा और इलेक्शन में वोट मांगने पहुंच रहे हैं, तो गुजरात से कुछ इसी तरीके का एक्शन सामने आ रहा है जहां पर फिर से कुर्सियां खाली की खाली पड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर सफीन जो है वो काफी एक्टिव है और एक्टिव कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, और वो हर एक छोटी बड़ी खबर सोशल मीडिया पर गुजरात से लेकर और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की बात हो तो उसको लेकर वो शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही जानकारी देते हुए ये बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में फिर से कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है। और सबसे मज़े की बात यह है कि प्रधानमंत्री बोले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन कुर्सियों पर बैठने वाला नदारद है। हालांकि भीड़ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है उनके गृह राज्य में, कुछ लोगों का जमावड़ा है और कुछ लोग तो बीजेपी के टोपी पहनकर आए हुए हैं, कार्यकर्ता लग रहे हैं, बीजेपी के सपोर्टर लग रहे हैं, इस वीडियो में ये नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको इन ट्वीट पर ध्यान दिलाते हैं दोस्तों कि कैसे डॉक्टर सफीन जो है वो ट्वीट करते हुए इस वीडियो को लिख रहे हैं कि गुजरात इज़ फेड अप ऑफ बीजेपी मिस रूल ऑफ 27 साल तक जो बीजेपी थी यहाँ पर राज्य कर रही थी, वो अब पूरी तरीके से कैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही थी उसको देखते हुए जनता जो है पूरी तरीके से गुस्से में है, और यही वजह है कि अब उनकी कोई भी रैलियां जो है वो काम नहीं कर रही है, कुछ भी रैलियों में नतीजा जो है वो रंग नहीं ला रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मोदी इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक एंड बिकम सीएम ऑफ गुजरात, पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, क्योंकि अब जो है मोदी जी का यहाँ पर कम बैक बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता जो है गुजरात की वो प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को पूरी तरीके से समझ चुकी है कि कैसे उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम किया है, ये ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं। आगे दोस्तों आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं, ये ट्वीट है फिर से डॉक्टर सफीन का ही, और ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेहसाना में भी आपको दिखाई देगा दोस्तों ग्रे कलर की कुर्सियां हैं यहाँ पर भी नज़र आ रही है, और इस ग्रे कलर वाली कुर्सियों में दो भाग में टेंट लगा हुआ है, एक में पूरी तरीके से कवर है टेंट वेंट और दूसरे में मैदान में खाली कुर्सियां पड़ी हुई है। और जहाँ तक आप नज़र डालेंगे तो इसमें पूरी खाली कुर्सियां ही नज़र आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी शायद ये कह सकती है कि खाली कुर्सियाँ नहीं है, कुर्सियाँ ज़्यादा लगा दी गई है और भीड़ जो है उतनी की उतनी ही है, क्योंकि कुर्सियों को ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दिया गया इसलिए भीड़ भर नहीं सकी। अब यही कहना बाकी रह गया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो पूरी कुर्सियां खाली नजर आ रही है, जो दावा किया जा रहा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख वो लाखों की संख्या तो खैर इस वीडियो में नजर नहीं आ रही है। तो ये ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि मेहसाना में पीएम जो होम डिस्ट्रिक्ट और 7 ex MLAs और 1 ex जो है सीएम ऑन वर्क, जो 7 ex MLAs हैं और डिप्टी सीएम हैं वो काम पे जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो है कुर्सी खाली नज़र आ रही है। बीजेपी के इतने लोग लगे पड़े हैं कि किसी भी कीमत पर कुर्सियां भरे, रैलियों में जो उत्साह है वो नज़र आए, इतने इतने नेता मंत्रियों को लगाया हुआ है काम पर, लेकिन काम नदारद है। बीजेपी जाए 6 और आप आवे 6, ऐसे करके इन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी गुजरात से जा रही है और आम आदमी पार्टी गुजरात में आ रही है, ये दावा कर रहे हैं डॉक्टर सफीन जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दोस्तों। और ये दावा बार बार करते हुए ये सैकड़ों वीडियो गुजरात की ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि गुजरात की ज़मीनी हकीकत को रूबरू कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है, क्योंकि मीडिया आपको सच्चाई तो दिखा नहीं रही है, मीडिया में क्या चल रहा है वो आप सभी को पता है।
कौन सा लहर दिखाने की कोशिश की जा रही है वो आप सब अच्छी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए, वो इन तमाम ट्वीट्स को अब शेयर करने का काम ले चुके, क्योंकि जो मीडिया के कंधों पर जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ता उठा रहे हैं, लीडर्स उठा रहे हैं विपक्ष के, और वो इस वीडियो को ट्वीट करके लोगों को अवगत करा रहे हैं कि देखिए कैसे जो है गुजरात में स्थिति डामाडोल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं कि कैसे जो है गुजरात में GSTV जो है लोकल न्यूज चैनल गुजरात की, वो भी वीडियो ट्वीट कर रही है और लिखती है कि कैसे जो है बीजेपी का फिर से सभा जो है वो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। गुजराती में उन्होंने ट्वीट करते हुए ये पूरी जानकारी दी है। अब आपको दोस्तों बता दें कि गुजरात के लोग भी पूरी तरीके से जो है दिलचस्पी ले रहे हैं और पूरी खबर बता रहे हैं कि गुजरात में स्थिति क्या है और क्या हो रहा है गुजरात के अंदर। अब आपको नवल कांत सिन्हा नाम के एक यूज़र हैं, वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि मोदी जी की गुजरात की इस रैली में बीजेपी ने भीड़ की जितनी संख्या का दावा किया था उसमें एक घटा दीजिएगा, क्योंकि एक कार्यकर्ता भाषण की बजाय कैंडी क्रश खेलने में लगा हुआ है। ये भी एक वीडियो निकल कर सामने आ रही है गुजरात से कि मोदी जी सामने से भाषण दे रहे, वीडियो में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री साक्षात खड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री के शब्द जो है वो बोली जा रही है गुजरात में, और जनता जो है नदारद है। खैर, और जो कार्यकर्ता है वो कैंडी क्रश में लगे, भैया इनका तो रोज का ही है, यही बोलते रहते हैं पूरी वक्त, एक ही भाषण होता है इसलिए लोगों का ध्यान जो है वो कैंडी क्रश पे लगा हुआ, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि भगवा गमछा लेकर बैठे हुए हैं और भगवा गमछा टांग कर और ये अपने फ़ोन में लगे हुए, भैया मोदी जी जो बोल रहे हैं बोलने दो, हमें अपना खेल ख़त्म करते हैं। तो ये स्थिति हो गई है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब गेम खेलने पर लगे हुए हैं। GSTV भी फिर से एक पुरानी वीडियो को ट्वीट कर रही है दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी आपको बहुत सारी खाली कुर्सियों की, खाली रैलियों की जो है खबरें बताई थी, वो भी है कि कैसे जो है हिम्मतनगर में जब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के जो गुजरात के जो मंत्री हैं उनके यूनियन मिनिस्टर के भी सभाओं में कुछ इसी तरीके का हालात नज़र आ रहा था कि लोग वहां पर भी नहीं पहुंचे, यानी कि गुजरात के तमाम नेता से लेकर मंत्री और केंद्रीय मंत्री सब कोई लगा हुआ है। और सबसे अहम बात ये है दोस्तों कि गुजरात में हेमंत बिस्वा शर्मा की आप भाषण सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई कंटेंट ही नज़र नहीं आ रहा है कि वो विकास पर बात करें, किसी चीज़ पर बात करें, वो कुछ से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति गुजरात में नज़र आ रही है कि हिंदू मुसलमान हो जाए, मंदिर मस्जिद हो जाए, तमाम मुद्दे ले आएंगे, लेकिन जो बात हो गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के परिवार के लिए, गुजरात के आमजन के लिए, वो बात नज़र नहीं आ रही है। तो ये स्थिति साफ तौर पर गुजरात में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि गुजरात की स्थिति आपको हम पल पल अपडेट दे रहे हैं कि गुजरात में आखिर चल क्या रहा है, गुजरात में हो क्या रहा है, और कैसे सब जनता का मोह जो है वो दूसरी तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी मोह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दोस्तों आप इस पूरी रैली पर क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रहा है कि कैसे जो है बार बार जो ये खाली कुर्सियों का वीडियो आ रहा है, क्या वाकई बीजेपी जो है अपने ही गढ़ में 27 साल के राज्य में, 27 साल के शासन में हार रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमें भी जमीनी हकीकत पता चल सके कि क्या हो रहा है। हालांकि आपको द नेशन पर, नेशन 360 पर तमाम तरीके की खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे जमीनी हकीकत में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जो है जनता का वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है।